सभी को नमस्कार। इस वक्त में हम यहाँ पे मौजूद हैं, कारण और विषय जो है बहुत गंभीर है और उसी पे चर्चा के लिए इस वक्त हम यहाँ पे आए हुए हैं। और विषय है जो आप सभी को मालूम होगा कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो परिस्थिति इस वक्त में उत्पन्न हुई है और जो माहौल इस वक्त में वहाँ पे चल रहा है संग्राम का, आंदोलन का, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री तक को देश छोड़ना पड़ा और रजाकार शब्द जो इस आंदोलन में बहुत आदायत यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, स्लोगन्स रजाकार नाम से दिया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए, चर्चा करने के लिए और उस वहाँ जो सिचुएशन है, जो इस वक्त परिस्थिति है, उसका असर या कह लीजिए उससे कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह अछूता नहीं रहा है और आगे संभावित क्या क्या चैलेंजेस, क्या के क्या क्या परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हो सकती है और कैसे जोड़ा जा सकता है वहाँ की परिस्थिति से यहाँ के आने वाले समय को, और इसी बात पे चर्चा करने के लिए इस वक्त में हमारे साथ दीपक झा जी जो हमारे साथ इस वक्त में मौजूद है और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेश के महामंत्री रहे हैं लंबे समय तक, उनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे इस विषय पे। दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनूप जी। जरा ये आज जो हमारा चर्चा का विषय है कि जो परिस्थिति इस वक्त में माहौल बनी हुई है बांग्लादेश, हमारे नेबर कंट्री, हमारे पड़ोसी देश की, उस पर अभी आप क्या कहेंगे इस वक्त में और कारण क्या है? देखिए, अगर इसका कारण अगर आपको जानना है तो यहाँ से 6 महीने पहले से जो घटना घट रहा है बांग्लादेश में उसको जानना आपको जरूरी है। 6 महीना या तो 6 महीना से और पीछे जाएंगे तो करीब 1-1.5 साल का घटना है। एक डेढ़ साल का जो घटना है, पहले आप उसको जब एनालाइज करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये घटना क्यों घटी है और ये घटना घटने से हिंदुस्तान को कितना नफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, और हिंदुस्तान के साथ साथ ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो पूरे भारत में आकर के और अंडमान में भी आकर के उनका क्या स्थिति होगा, उनका क्या प्रॉब्लम पूरे देश को और अंडमान को भुगतना पड़ेगा। इस चर्चा को शुरुआत करते हुए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन में वहां पे 2 मुख्य पार्टी हुआ करती थी, एक है खालिदा जिया जी का पार्टी और एक है शेख हसीना जी की पार्टी, और खालिदा जिया जी ने इस इलेक्शन को बायकॉट करते हुए अपना कोई भी कैंडिडेट उतारा नहीं, जिसके फलस्वरूप शेख हसीना जी ने भारी बहुमतों से अपना जीत दर्ज किया है और 4थी बार कंटिन्यूअसली बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर बनने का गौरव उसने हासिल किया, उन्होंने हासिल किया है। ये गौरव बांग्लादेश का नहीं बल्कि पूरी नारी शक्ति का था जो कि पूरे विश्व में 4था बार इतनी लंबे समय तक सत्ता को बनाए रखने में जिनका योगदान, जिनका सूझबूझ, जिनका देशभक्ति काम आया था, वो पहली ऐसी महिला है जो कि इतने लंबे समय काल तक वो सत्ता पे रही है। खालिदा जिया जी जो है वो चाइना के समर्थक मानी जाती हैं, वो पाकिस्तान के समर्थक मानी जाती हैं, उसी तरह शेख हसीना जी जो हैं वो भारत के समर्थक मानी जाती हैं। तो ये बात आपको पूरे मीडिया से, पूरे अखबार से, पूरा गूगल न्यूज अगर आप छान मारेंगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा। इसमें हुआ ये था कि वहाँ पे बहुत बड़ा एक टेंडर का काम था जिसमें तिस्ता नदी का पानी पे डैम बनाने का काम था और वो डैम का काम में इंडिया भी पार्टिसिपेट किया था और चाइना भी पार्टिसिपेट किया था, जिधर में उनकी सरकार और बांग्लादेश का सरकार ने ये निर्णय लिया कि ये काम पूरा भारत को दे दिया जाए और चाइना को ये काम ना दे करके उन्होंने भारत को ये काम दे दिया। उसके बाद में आप मई या तो जून के महीने में आप सुने होंगे कि वहाँ पे
उन्होंने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इंडिकेशन एक दिया था कि वन व्हाइट पर्सन डोंट वांट टू सी हिम एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उनका इशारा अमेरिका के तरफ में था क्योंकि उन्होंने बाद में ये बताया कि अमेरिका चाह रहा था कि वो अपना सेना का बेस बनाए बांग्लादेश में, जिससे कि वो भारत को, पाकिस्तान को, चाइना को यहाँ से बैठ करके कंट्रोल कर सके। मगर उन्होंने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए उन्होंने कहा कि कोई फॉरेनर, कोई भी बाहर का ताकत हमारे धरती पे बैठ करके हम पे हुकुम और हमारे पड़ोसियों पे हुकुम ना करे। तो इसके तहत उन्होंने भारत का भी ये आग्रह था कि ये ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि भारत ने भी आज तक किसी भी देश को अपने देश में घुसने नहीं दिया है। और इसके लिए अमेरिका नाराज हो गया बांग्लादेश से। और ठीक उसके कुछ दिन बाद में फिर से एक पोर्ट का काम का टेंडर हुआ था, और पोर्ट का काम का टेंडर में फिर से चाइना और इंडिया के पार्टिसिपेंट्स भाग लिए थे। फिर उन्होंने चाइना के पार्टिसिपेंट को फिर से अलग करके फिर से वो दूसरा बार इंडिया को बहुत बड़ा काम, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पोर्ट जो होता है वो काम इंडिया को दे दिया। तो इससे चाइना तिलमिलाया हुआ था, इससे अमेरिका तिलमिलाया हुआ था, और ये दोनों का तिलमिलाहट को अंजाम देने के लिए इन्होंने मोहरा बनाया खालिदा जिया को। और खालिदा जिया को उन्होंने ये कहा कि एक मूवमेंट करो कि बांग्लादेश में जब भी सरकार का परिवर्तन होता है या तो इलेक्शन में जब जाते हैं तो एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, और आपने इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं किया था इसीलिए ये इलेक्शन रद्द किया जाए। तो इसका मूवमेंट चल ही रहा था कि उसी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट में वहां पे एक लिटिगेशन लगा हुआ था कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो मान करके लागू कर दिया कि हाँ, फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये तो घी में और आग भड़काने का, और खालिदा जिया को एक जिंदा मुद्दा मिल गया कि पूरे स्टूडेंट्स को उग्र बनाने के लिए कि देखो रिजर्वेशन दे रही है और उनको दे रही है जो कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे हैं, तुम लोग सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तुम लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। तो इस तरह वहां के जो बच्चे हैं वो सड़क पर उतर के इस आंदोलन करने लगे, और आंदोलन करते 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 सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि हाँ, ये निर्णय इस वक्त लेने का नहीं था, इसको कुछ वक्त के लिए टाला जा सकता है। तो उन्होंने अपना निर्णय पलटा। ज्यों ही अगर निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने पलटा तो ऑपोजिशन के जो लीडर थे उन्होंने ये समझ लिया कि सरकार अब हमारे सामने घुटना टेक दी है, जब वो अपना निर्णय वापस ले रही है तो ये सरकार को अब हटना चाहिए। अब उन्होंने अपना मूवमेंट को सरकार को हटाने के लिए लगा दिया और बढ़ाया। और उसके बाद में इन लोगों के जो नेशनल टेलीविजन पे आ रहे हैं, समाचारों में आ रहे हैं इस वक्त में, कि वहीं से शायद इंटरनेशनल उनका पदार्पण हुआ, उनके दखलअंदाजी शुरू हुई, कहीं ना कहीं डायरेक्टली कह लीजिए, इनडायरेक्टली कह लीजिए। हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्टली कुछ होता नहीं है, सभी कुछ जो फंडिंग होता है वो इनडायरेक्टली होता है, हवाले के मामला में आता है। यहाँ पे बांग्लादेश में आना शुरू हुआ ताकि इतना जो रेडिकलाइज लोगों हैं उसको मोबिलाइज करने के लिए, उनके लिए हथियार लेने के लिए, उनके आतंकवादी को सपोर्ट करने के लिए इनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं रही। और फलस्वरूप क्या हुआ, ये इतने उग्र हो गए कि आपको पता है कि वहाँ के उस प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ करके निकलने पे मजबूर कर दिए और वो देश छोड़ करके भारत आ गई। तो ये तो था पीछे का पटका था। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वहां पे ये आंदोलन हुआ, फ्रीडम फाइटर्स उनके फैमिलीज को रिजर्वेशन देने की बात हुई, और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ हैं ऐसी मानसिकता के जो इस वक्त में चरम पर है वहां पे, ऐसे ही मानसिकता के लोग जो इस वक्त घुसपैठ किए हुए हैं और लगातार हिंदुस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं, और इसका ज्वलंत उदाहरण कि वहाँ की डेमोग्राफी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे बदल जाती है और वहाँ की परिस्थिति शांतिपूर्ण से अशांति की तरफ कैसे जाती है, उसका बहुत प्रमुख उदाहरण तो बंगाल है, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो आए दिन हमें मिल रहा है देखने को। और यहाँ जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, यही प्रश्न लगातार उठ रहे हैं, मीडिया ने भी उठाया है, और ये चरम पर है कि यहाँ पे किस तरीके से घुसपैठियों का प्रवेश हुआ है। और हाल ही में जो है डीसी महोदय ने भी एक नोटिफिकेशन जारी की है कि खतरे का यहाँ पे जो है
टेररिस्ट गतिविधियां जो है वो हो सकती है, इसलिए होटलों में, लॉज में, दुकानों में, रेंट रूम और जो आपके होम स्टे हैं, इन तमाम जगहों पे निगरानी बरतने को कहा गया है। जांच एजेंसियां जो हैं, जो इस पे लगी हुई है, वो निगरानी कर रही है, लोगों को कहा गया है अलर्ट रहिए। तो आपको क्या लगता है, वही ऐसी ही परिस्थिति अंडमान में आने वाले भविष्य में क्या हो सकती है? ऐसे देखिए, ये परिस्थिति आज से अंडमान और भारत के लिए विकट नहीं बना हुआ है। हमें बोलने में कोई शर्म नहीं होती है कि हमें कोई मुसलमान से झगड़ा नहीं है, और मुसलमान तो भारत देश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और कई सारे देश में हैं, मगर हमें उस सोच से जरूर डरना चाहिए जो कि रेडिकलाइज सोच है, जो सोच सिर्फ अपने धर्म को ऊपर रख करके पूरे देश को जिहाद में ढाल करके पूरे देश को एकता और अखंडता को नाश करना चाहते हैं। सेम अंडमान निकोबार भी उससे अछूता नहीं रहा है। अंडमान निकोबार में आज से नहीं, ये करीब करीब 15-20 साल से इनका घुसपैठी का जो रूप है, घटनाएं हैं, वो चलता रहता है। और जब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि वो कलकत्ता से अपना छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स बना करके लेकर के आ जाते हैं और हम यहाँ पे उनको कुछ नहीं कर सकते। ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक टालने का एक बहाना है। मैं 3 दिन पहले ही यहाँ पे बैठा हुआ था गर्ल्स स्कूल के सामने, तो एक मुढ़ी वाला आया था, तो मैंने कहा कि बाड़ी को था है? तो उन्होंने कहा कि कोलकाता, और मैं समझ गया कि इनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता। तो मैंने कहा कि अपना गांव का 5 अगल बगल गांव का नाम बताओ, तो वो नहीं बता पाया। तो इससे मुझे समझ में आया, तो मैंने पूछा ठीक है तुम्हारा नानी का गाँव को था है? तुम्हारा ननिहाल कहाँ है? तो वो बता नहीं पाया, तो वो बताया कि हम नाम भूल गया, ऐसा बोल करके वो जोर से भागना शुरू कर दिया। अगर हमारा अंडमान निकोबार का पुलिस कलकत्ता में जाकर के बैठे, 100 की संख्या में, 200 की संख्या में बैठे, और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो वो किसी न किसी के रेफरेंस से आते हैं, और उस रेफरेंस को नोट करके यहाँ के लोगों का वेरिफिकेशन उनका बताया हुआ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्स को देख करके नहीं, उनका पेरेंटल, वो कहाँ से निकले हैं, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उनका नानी का गांव कहाँ है, उनका चाचा कहाँ रहता है, उनका मामा कहाँ रहता है, 3-4 जगह जाकर के जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उनको खुद पता चल जाएगा कि ये आदमी इंडिया का है कि बाहर का है। अगर इंडिया का है तो हम अपना दिल खोल करके उसको स्वागत करेंगे, अगर वो जरा सा भी अगर हमें भनक लग गया कि वो हमारा भारत का नहीं है तो उसे इमिडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। अंडमान निकोबार को चाहिए कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन जिस तरीके से अभी इस वक्त माहौल बंगाल का चल रहा है, अब तो आपको पता होगा कि क्या लगता है, एजेंसियां वहां जाएं और वो गांव तक पहुंच पाएगी? हमारी यहाँ से पुलिस जाती भी है या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो टीम जाएगी, उसको बंगाल में ना सहयोग मिल पाएगा ना ही उनको कोई काम करने दिया जाएगा, पहली बात। लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अगर उन पे दबाव बनाया जाए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल बदला है, कुछ एक क्षेत्र का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, आप यहाँ बाजार क्षेत्र का ले लीजिए या फिर इस तरफ ग्यारह चरमा, भातु बस्ती, तमाम जगहों की जैसे डेमोग्राफी अभी बदली है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण कौन है? क्या किसके बिना बैकिंग के कहीं पे बैठना और इतने मत के साथ बैठना, घूमना, और मालूम हम जैसे लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा जो है, ये व्यक्ति जो है, ये बंगाल का नहीं हो सकता है। और ऐसे भी देखा गया है कुछ वर्कर्स हैं, लेबर, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी है, जो गांव के बिहड़ गांव जो होते एरिया, वहां के लोगों को, वहां के बच्चे को इतने टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होती है, और बिना सपोर्ट के ऐसा हो सकता है कि इन लोग आते गए और बसते चले जा रहे हैं? अब आप कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में ये देखेंगे कि अंडमान में भी बम फटेगा। इसकी आशंका तो अभी जताई जा रही है, मगर 5-6 साल 7 साल के अंदर में ही आप देख लेंगे ये आशंका आपको पूर्ण रूप में बदल जाएगा। जब अंडमान निकोबार में भी गली गली में बम फटेगा, तब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नींद में आज सोया हुआ है और तरह तरह से
ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और जो कोलकाता के जो डीजी हैं वो भी होम मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। पुलिस अगर होम मिनिस्टर चाहेगा इंटरफेयर करने के लिए, अगर होम मिनिस्टर चाहेगा कि अंडमान को एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए, तो ये एक मिनिस्ट्री के लिए कितना बड़ा होता है कि एक ऑर्डर जाएगा कि अंडमान का पुलिस जो भी आते हैं उनके साथ में पूरा तालमेल के साथ में आप कोऑर्डिनेट करेंगे और अंडमान को पुलिस को अपना काम करने देंगे। ये तो इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है, मगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल विल पावर जो होता है, जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी है उसमें बहुत कम होता है। वोट बैंक के चक्कर में आप जाएंगे मेडिकल के बगल में तो छोटा छोटा टीन का मस्जिद बना करके रखे हुए हैं और वो मस्जिद में अजान शुरू हो गया है। बहुत अच्छा बात है, आप इंक्रोचमेंट पे बनाते हैं, अभी मस्जिद बनाते हैं। पहले जब इंक्रोचमेंट पे मंदिर होता था तब तो आप तोड़ने आते थे, आज इंक्रोचमेंट पे मस्जिद है तो वो क्या संवैधानिक हो गया है? और अंडमान निकोबार में ये जो बढ़ावा मिल रहा है इसमें कहीं ना कहीं आप दूर से घूम करके देखेंगे तो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी का मिलीभगत है। अब चर्चा का विषय जो है पॉलिटिशियंस और इनके मिलीभगत है और कहीं ना कहीं इसके कारण से उनको हौसला मिल रहा है, तो कहां जांच एजेंसी को रुकावट कहां पे है कि अगर उनको लग रहा है, और आज तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने ही प्रत्यक्ष रूप से ये मान लिया है कि ऐसा खतरा अब आ गया है। आपको याद होगा शायद कई साल पूर्व आईजीपी केन साहब हुआ करते थे, उन्होंने भी ऐसा एक उन्होंने टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा था कि इस वक्त में माहौल जो है बदल रहा है। तो अब जो है आगे जांच एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन को करना क्या है, क्या करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन को होम मिनिस्ट्री के सामने जाकर के अपना पूरा पक्ष रखना चाहिए और हमारे जो सांसद महोदय हैं वो पार्लियामेंट में जाकर के अंडमान का जो ये सेंसिटिव प्रॉब्लम है उसको जाकर के जोर शोर से उठाएं और अपनी पूरी ताकत से वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास में जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेशन से बैठ करके इसके लिए रास्ता निकालें। और रास्ता निकालने में जो भी वक्त लगता है उसके बाद में उस रास्ते पर चल करके अंडमान निकोबार को बहुत जल्दी सेफ गार्ड दे। और जानकारी ये भी आ रही है, सूत्रों से पता चल रहा है कि ये केवल हमने जो कहा 2-3 इलाके से केवल यहाँ तक वो सीमित नहीं है, नहीं नहीं जो घुसपैठी वो अंडमान निकोबार के हर आइलैंड पे जहाँ आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि कुछ दिनों पूर्व वो आए एक बंदा आया, अब वो फैमिली लेकर रहता है, छोटा बिजनेस करता था, अब वहां पे बड़ा सेठ बन गया है, लेकिन इनके पूरे बायोडाटा को खंगाला नहीं जा रहा है। और हाँ जी, जैसा यहाँ पर एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से जो कंडक्टर है जब वो अंडमान आते हैं, जो लेबर लेके आते हैं बाहर से, उसका वेरिफिकेशन होता है डेली फॉर्म में, उसमें वेरिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा होता है कि 1 ईयर का वैलिडिटी रहता है अंडमान में आने का, ठीक है। उसके बाद में आपको अंडमान से जाना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं कुछ टाइम के इधर में, यहाँ में जो जाने से एजेंसी है यहाँ पर वेरीफाई नहीं करता है कि एक साल के बाद कोई गया नहीं गया, कोई चेकआउट नहीं करता है, क्योंकि जब हम गया था डेली फॉर्म में वहाँ पर एक साल का लिखा होता है, ऐसे फॉर्म लिखा होता है, आप जैसा फ्लाइट आता है कोई भी, आप जाके डेली फॉर्म में जो मंदिर है उसके अपोजिट एक ऑफिस है वहाँ पर लोग बाकायदा वेरीफाई होता है, उन्हें साफ साफ लिखा होता है कि एक साल के अंदर चाहे टर्न ओवर एक साल का होता है, उसके बाद जी 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 होने के बाद में आपको जाना होता है। वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपना बेस बना देते हैं, बेस बना के एक साल के अंदर चले जाते हैं, 8-7 महीने के अंदर फिर आते हैं रिन्यूअल कराते हैं, 7-8-2 को लेके आते हैं। ऐसे ही अंडमान निकोबार में बहुत सारे चोरों स्ट्रीट वेंडर्स जो है ऑलमोस्ट सारे बाहर के अंडमान के, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 में 10% अंडमान के होंगे, बाकी तो स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं, खाली अंडमान में खाली 10% होंगे। यहाँ रोजगार नहीं है, आप बोलते हैं रोजगार नहीं है, क्यों यहाँ के बच्चे लोग रोजगार के लिए नहीं कर सकते स्ट्रीट वेंडर का काम? हाँ, ये एक अहम बात है दीपक जी। 2004 जब सुनामी आई थी, सुनामी के बाद ये देखा गया जो यहाँ लेबर फोर्सेस कम थे और इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बाहर से लाए थे और एग्रीमेंट के तहत लाए थे, और एग्रीमेंट में कहा गया था कि एक निर्धारित समय काल के बाद में इनको वापस जाना है, इनको भेजना है, लेकिन वहाँ काम खत्म होने के बाद वो लोग यही बस गए। कहाँ भीतर यहाँ सारे इलाके में जहाँ पे आप अंडमान निकोबार का देखिएगा आइलैंड, विभिन्न आइलैंड में क्षेत्र में वहाँ चले गए, वहाँ उन्होंने बेतहाशा इंक्रोचमेंट किया
आप वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया, उसके बाद आधार कार्ड, आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसमें राजनीतिक जो जुड़े हुए लोग हैं वो इनको शह दिए और कहीं ना कहीं उनके प्रश्रय से ये बहुत तेज गति से 2004 के बाद में यहाँ पे ये पॉपुलेशन विस्फोट भी हुआ, इंक्रीज हुआ और बाहर के लोगों का बसना आज हमारे लिए एक स्कूल बनाने के लिए अगर नया स्कूल बनाना चाहे तो आज रेवेन्यू जगह ढूंढती है, उनके पास जगह नहीं है, लेकिन ये बैठने के लिए इनको बाहरी लोगों को इनके लिए खुलेआम मतलब छूट दे दी गई है, इस पे क्या कहना है? देखिए अंडमान में जहां से भी कमाई होता है वहां पे आप देखिए कि कानून का जो डंडा है वहां पे नहीं चलता है। खास करके आप देखिए कि अंडमान निकोबार में ड्रग्स का, खास करके गांजा का इतना लंबे समय से विरोध चल रहा है, लोग बार बार चीख के चिल्ला करके, पॉलिटिशियंस भी अपने सुर में सुर मिला करके, मगर आज भी देखिए कहीं पे भी देखिए तो गांजा इजिली अवेलेबल है। उसी तरह ये जो लोग आते हैं कलकत्ता से उठ करके उड़ करके, वो तो बंधा बंधाया है कि आपको अगर इतना पैसा दे दो तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, तो आप उतना पैसा जमा कर देते हो, वहां से कमाई का जो एक सोर्स है कुछ अधिकारियों का, वो सोर्स को वो कभी बंद नहीं करेंगे और ये जब बंद नहीं होगा तो अंडमान में इसी तरह हाई तौबा मचता रहेगा और अंडमान के लोग तब जगेंगे जब यहाँ पे गोलीबारी और बम फटना शुरू करेगा। इसीलिए हम निवेदन करते हैं अपने होम मिनिस्टर से कि अंडमान निकोबार का ऊपर में जल्दी से जल्दी ध्यान दे और ऐसे अफसरों के ऊपर में भी ध्यान दे जो कि अंडमान निकोबार में सिर्फ अपना टेन्योर बिताने आते हैं, अपना मुख्य भूमि चले जाते हैं। दादा ऐसा अभी रिसेंटली आपको बता होगा कि बांग्लादेश से और बर्मा बॉर्डर से बहुत लोग अंडमान आ गए थे, बहुत लोग 147 की संख्या में आए थे, बहुत सारे डेड बॉडी में आता रोहिंग्या को पकड़ा गया और भी बहुत सारे पोर्चर्स लोग अंडमान में हैं और यहाँ पर लाके उनको एक कैंप है भुक्शावत में वहाँ पर रखते है, पर इन लोग रख के अंडमान का गवर्नमेंट या अंडमान का जो पब्लिक का जो पैसा जाता है वहाँ पर उन लोगों को देना पड़ता है ना खाने के लिए पीने के लिए, तो अंडमान का पैसा जाता है, अंडमान के पब्लिक का पैसा जाता है ना, तो आपको क्या लगता है उन लोगों को वेरीफाई करके उन लोगों को अपना जगह छोड़ देना चाहिए? आपको मैं बताता हूँ इसमें और भी मैं अपने आंखों से देखा हूँ कि वहां के लोग अपने अब किसी भी घर में छोटा सा काम करने के लिए वो जाते हैं और घर में काम मांग करके जाते हैं कि हम आपको झाड़ू पोछा बर्तन इतना में ही कर देंगे और वो अपने काम शुरू कर दिए हैं और थोड़े दिन के बाद में वो ही अंडमान निकोबार के समाज में वो विलुप्त हो जाएंगे और ढूंढ करके भी नहीं मिलेगा। ऐसे लोग जो घर पे जो काम करने आते हैं तो हम अंडमान के लोगों का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे लोगों को दो पैसा कम लेकर के काम करे, ऐसा ना करे और उनको काम ना दे ताकि अंडमान निकोबार का फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई आदमी आता भी है आपके पास में तो इमिडिएटली आप पुलिस को, CID को, जिसको भी आप खबर कर सके तो करिए ताकि पुलिस को भी ये पता लगे कि अंडमान के लोग भी अब जागरूक हो गए हैं और वो इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा अभी आप संडे मार्केट घूमते होंगे, संडे मार्केट में खासकर अबड़िन बाजार एरिया हो गया, जंगली टेरी हो गया, वहां पर देखिए ऑलमोस्ट सब बाहर के लोग ही दिखाई देंगे क्योंकि आपको अंडमान के जो लोग है प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, बहुत कम एरिया है जो बंगाली में बात करते हैं, अंडमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको हिंदी नहीं आता, जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को बांग्ला आता है, ये चीजें कॉमन है। आप कोई भी एरिया में देखिए, आप स्ट्रीट वेंडर खासकर स्ट्रीट वेंडर्स को ही बोलता है और अभी तो ऐसा हो गया कि कोई भी रेंट रूम ले ले, कोई भी आईलैंडर क्यों हो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है। आपको लगता नहीं है कि इन लोगों यहाँ के जितने स्पेशल ब्रांच CID के और पुलिस स्टेशन है इनको संज्ञान में लेना चाहिए? इसमें मैं जरा बोलना चाहूंगा कि ये जो लोग होते हैं ये बड़े एक मिशन पे होते हैं और बड़े सिस्टमेटिक वे से समाज में दाखिल होते हैं, दूसरे समाज में, दूसरे क्षेत्र में, और बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे से काम करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बाजार का क्षेत्र उनके कब्जे में चला जाएगा, संख्या बढ़ने के देर है और फुटपाथ तक भी नहीं है चलने लिए, फुटपाथ भी नहीं है। हाँ ये है, लेकिन कोई लोकल बंदा, कोई आईलैंडर अगर बैठ जाए तो दिक्कत वहां पे आ जाती है। और इन लोग चूंकि हैंड टू माउथ है, इनके पास कुछ नहीं है, इनका सिर्फ मकसद है कि यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करना, बेशक इसके लिए 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे,
ये लगातार लगे रहेंगे और ये कुछ भी कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हैं जो हमारे आइलैंडर नहीं करेंगे। और यही कारण है जो इनको एडवांटेज मिलता है, वोट बैंक की राजनीति है भारतवर्ष में। अगर आपने ऐसा बोला, जैसा आपने बोला, ये जो जैसा कोई भी पार्टी का कुछ भी रैली होता है, ऑलमोस्ट कोई अंडमान का तो मेरे को नहीं लगता है कोई लोग दिखते, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा बाहर के लोग रहते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ के लोग हो सकते हैं? अंडमान में आप देखेंगे कि पहले जो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो रैली करती थी तो वहाँ पे आप 80% लोगों को बाई नाम से आप पहचानते होंगे कि ये फलाना एरिया में रहता है, ये फलाना जगह रहता है, इसके 3 बच्चे हैं और इसका 1 बच्चा नौकरी करता है या तो जैसे भी। मगर आप अब जो भीड़ देखेंगे, वो जो नेता जो होते हैं, जो सामने सामने उछल उछल के जो चलते हैं, उनको तो आप पहचान लेंगे, मगर नेता के पीछे जो भीड़ लगा रहता है उसमें से आप 10 आदमी को भी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अंडमान के हैं ही नहीं और वो हमारे अंडमान में आज तक कभी दिखे नहीं है। ऐसा पूरे अंडमान निकोबार में कौन सा ऐसा द्वीप है जहां पे पॉलिटिकल पार्टी और मैंने द्वारा नहीं किया? मगर आप जब भी जाओ तो एक अलग 10 घर बना हुआ दिखता है, एक अलग पहाड़ी में कुछ एरिया कटा हुआ दिखता है, एक अलग आप जगह जाओ तो अलग मस्जिद बनाया हुआ नजर आता है। तो ये सब कहां से हो रहा है? ये सब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के नजरों के सामने ये सब जो हो रहा है, तो इसके ऊपर में अगर आपके पास में पावर है और अगर आपको अथॉरिटी दिया है तो एक्शन लेना भी एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर सोच ले कि हाँ हमें ढूंढ ढूंढ करके चुन चुन के निकालना है तो अंडमान निकोबार को साफ करने में बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। दादा मेन एंट्री फ्लाइट या शिप के थ्रू होता है 100% दादा अगर आपको इंक्वायरी करना है, डिटेल्स निकालना है, वहीं से आपको मिलेगा डिटेल्स। सब डिटेल्स अंडमान निकोबार के पास में है, बस इच्छा शक्ति की जरूरत है। यहाँ पे इच्छा शक्ति तब तक नहीं होगा जब तक आपको इस मामले में पैसे गिरते रहेंगे, तब तक इच्छा शक्ति किसी की भी कोई भी जो होता है वो अपने पैसे के सामने अपने देश को साइड रख करके पैसे कमाने के चक्कर में अगर लग जाता है तब ये इच्छा शक्ति अभी आपको कभी नहीं दिखाई देगी। दरा जैसा अंडमान में 572 आइलैंड है, आपको क्या लगता है 38 आइलैंड में लोग है कि और भी बाकी आइलैंड में, जैसा नायकंडम आइलैंड हो गया बीच में 4-5 घुसपैठे भी था। जिस तरीके के रवैये से और जिस मानसिकता से इस वक्त काम हो रहा है और जो अलर्टनेस, और दादा ने कहा कि विल पावर, इच्छा शक्ति को कैसे समझना है, ऐसे समझिए कि मेरे घर में सफिशियंट गाड़ी है, एसी लगी हुई है, नौकर चाकर है, काम करने वाले की खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तो अक्सर वो परिवार जो होता है ना, वो बगल के झोपड़ी में आग लगी हो, भूखा सो रहा हो, वो देखने की मानसिकता नहीं होती है उसकी, उमर जाती है। बहुत कम लोग देखेंगे, सोशल वर्कर है जो जाके शुद्ध लेते हैं, बाकियों को नहीं होता है। आज नहीं देखेंगे तो जब बम पड़े तब देखेंगे क्या? यही कहना है कि शायद उस दिन का इंतजार कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था हमारे न्यूज चैनल में, हमने भी कहा था कि समस्या को बढ़ने दो, आउट ऑफ कंट्रोल होने दो, होने के बाद जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तब हम लोग जो है रेड अलर्ट जारी करेंगे, तब हम जागेंगे। अगर ऐसे सोच के साथ आप चलेंगे तो मैंने वो कहा था कि अंडमान निकोबार एक डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, वहां आबादी एक डिस्ट्रिक्ट में जितनी होती है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में उससे भी कम है, तो यहाँ के आबादी को बिगड़ने में या खराब कर देने में या यहाँ पे तबाही या शांति मचाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो दीपक दादा ने भी कहा है। और अब देखना ये होगा कि वक्त रहते ही संभलने की मानसिकता आएगी अथवा नहीं आएगी, या वक्त रहते ही अलर्ट होंगे जैसे अभी अलर्ट कर रहे हैं। ये 15-18 साल पहले दीपक दादा ने भी कहा कि 2 दशक से प्रारंभ हो चुका है ऐसे गतिविधियां, तो रोक या अंकुश क्यों नहीं लगाई जाती? आप देख लो कि एक ट्रैफिक चलान पे खड़े होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स के बाद भी वो वेरीफाई करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। तो इतने बड़े इश्यूज में आपको जहां शक हुआ उस व्यक्ति को उठा के ले जाकर आप उसकी जांच पड़ताल, उसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करते हो दादा? जैसा पूछताछ क्यों नहीं करते हो दादा? जैसा आपको बताओ, पहले अंडमान भिखारी नहीं था, बहुत कम लोग तो जो भीख मांगते थे, जो भीख मांगे रहते थे। आज के डेट में अंडमान इतना सारा भिखारी लोग जो बच्चे लेके घूमते, आपको क्या लगता है अंडमान के?
अंडमान के तो है नहीं, उनके हाथ में कागज भी होता है, वो कागज क्या होता है उसमें लिखा होता है बीमार है, बच्चे बीमार है, रिक्वेस्ट करते हैं है, वो एक बना करके लेके आते हैं। देखिए अंडमान के रगों को, नसों को, दीपक दा भी शायद एकमत होंगे मेरे इस बात से कि अंडमान के लोग बड़े सेंसिटिव इमोशनल्स होते हैं, और इसको इमोशनल फूल कह लीजिए, और उनको पता है कि यहाँ आसानी से पैसे मिल जाएंगे, उनको मदद मिल जाएगी, और खासकर जो हमारे आइलैंडर्स हैं आइलैंड के दुश्मन बने पड़े जो की पोस्ट को होल्ड करते हैं और समाज में सभ्य समाज में अंडमान के रहते हैं, हम खुद अपने ही दुश्मन हैं। आज देखिए डीआरएम के नौकरी के लिए आज माँ बाप बोलते हैं कि कहीं पे भी अगर कुछ बातचीत करके कोई बंदोबस्त करके मेरे बच्चे को डीआरएम में हो जाए। एक वक्त था जब नौकरी दिया करते थे, बुलाया करते थे, हमारे अंडमान के बच्चे नहीं जाते थे। आज देखिए ठेले लगाकर वही अंडमान का बच्चा कहता है, वो ठेला वाला पता है आपको, वो बिल्डिंग बना लिया वहां पे, लेकिन ये काम खुद नहीं करेंगे। और जब पीठ जो है हमारी दीवार पे टिक जाएगी, अब दीवार में टिकने का वक्त आ गया है, धीरे धीरे जो परिस्थिति बन रही है दीवार में पीठ टिकने वाला है, और जब पीठ टिक जाएगा उस वक्त में आप वार करने जाओगे, उस वक्त में आप चिल्लाओगे, शोर मचाओगे, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। और चलते चलते हम चाहेंगे दीपक जी ये बताएं कि आखिरी में हमारे आइलैंडर्स को हम क्या संदेश दें, हमारे वातावरण के लिए, शांतिपूर्ण वातावरण के लिए क्या कायम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और क्या चीज है जो हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस डिपार्टमेंट को सहयोग करना चाहिए। दादा और जैसा कि यहाँ के जितने भी नेवल पुलिस है, ऐसा कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी पुलिस हो गया, मेरीन पुलिस हो गया, उन लोगों को भी कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि अंडमान में जितना पोचर्स आता है। जी देखिए पोचर्स से निपटने के लिए हमारे कोस्ट गार्ड, हमारे नेवी सक्षम है, और जब भी उन्हें मौका लगता है वो दबोच करके सीधा पुलिस को, डेली कहीं ना कहीं एक ना एक पोचर्स आते ही रहता है। हाँ, ये जब हमारा अंडमान निकोबार का सीमा बर्मा से लगा हुआ है और अगल बगल के देश से लगा हुआ है, तो वहां से पोचर्स का आना स्वाभाविक है, वो भी आते हैं, और उसको निपटने के लिए हमारे यहाँ पे कोस्ट गार्ड और नेवी एकदम अलर्ट पे रहते हैं और वो करते हैं। हमें आज पोचर से निपटने की बहुत ज्यादा चिंता नहीं हो रही है, हमें चिंता जो हो रही है ये जो आंतरिक जो छोटा मोटा पेपर बना करके अंडमान निकोबार में घुस जाते हैं, एक साल का परमिशन लेकर के, एक साल का एफिडेविट दे करके, या एक साल का अवधि के लिए वो आते हैं, उसके साथ में अपने पीछे जब अगले बार आते हैं तो चार परिवार को और भी उठा करके लेकर के आते हैं। इसी तरह इनका श्रृंखला बढ़ता जा रहा है, और श्रृंखला बढ़ते बढ़ते पूरे अंडमान निकोबार शांति जो भंग होने वाला है, जो अंडमान निकोबार के ऊपर में काली घटा जो अब छाने वाली है और छा गई है कुछ हद तक, उस काली घटा से बचने के लिए पूरे अंडमान निकोबार के लोगों को मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि वो इस छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर ध्यान दे, और अपना जो बात है वो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, जिससे भी हो, वो बार बार निरंतर बताते रहे ताकि पूरे अंडमान निकोबार को बचाया जा सके। अंत में जो हमारी ये पूरी चर्चा रही है, ये चर्चा में बातें जो सामने निकल के आ रही है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे और बहुत तेज, अभी धीरे धीरे भी नहीं कह सकते हैं, धीरे धीरे 15 साल पहले 15 वर्ष पूर्व हम कह सकते थे, इस वक्त में बहुत तेजी से डेमोग्राफी हर एक क्षेत्र की बदल रही है, और कहीं ना कहीं डेमोग्राफी जब बदलती है उस डेमोग्राफिक चेंज में मानसिकता का बदलाव आता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके मानसिकता में भी आप लोगों ने देखा होगा कई चेंजेस आई है, और अब जो है आप देखिए खून खराब आए दिन मर्डर की बात नॉर्मल सी बात हो गई है, यहाँ मर्डर हो गया है, चोरी तो लगातार हो रही है, कभी सिपी घाट, कभी छोलदारी, हर एक क्षेत्र में पोर्ट ब्लर। यहाँ पे पहले हम कहते थे सोना पड़ा हुआ है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रास्ते पे तो आपके घर पहुंचा दिया जाएगा, वो घर महसूस करते थे, आज खुद पुलिस वाले ये दुविधा में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं कि ड्यूटी में निकला हूं, अगर वो बैचलर है मेरा खुद का घर सुरक्षित है या अथवा नहीं, या ऑफिसर के घर सुरक्षित नहीं है, यहाँ चोरियां हो रही है, तो ऐसे लोगों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ विल पावर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव सोच की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बदल रहा है ये पूरा माहौल और वातावरण अंडमान निकोबार का,
और यहाँ के सुरक्षा को भी, आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को भी अब खतरा महसूस हो रहा है और आगे खतरे का संकेत दिख रहा है। अब किस तरीके से कदम उठाएगी प्रशासन और लॉ एजेंसियां, ये देखने का विषय है। नजर हम बनाए रखेंगे कि कैसे अब अगला कदम उठाती है और किस तरीके से काम करती है, क्या इनको खोज करके इनको उस जगह पे वापस भेजा जाएगा, क्या हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन विस्फोट कराया जाएगा या उसको नियंत्रित कराया जाएगा, किया जाएगा, ये हम इंतजार करेंगे। और चलते चलते मैं हमारे हम लोगों के चैनल की ओर से दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इस चर्चा में शामिल हुए और ये चर्चा कितने वास्तविक रही और कितना आप इससे रिलेटेड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग जिन्होंने खून पसीना एक किया, मेहनत किया अंडमान को बनाने के लिए, चाहे वो कोई भी तबके के हो। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, जो चर्चा इस वक्त हुई है वो वास्तविकता में सही है क्या, वो आने वाले वक्त में ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं कि ऐसी संभावनाएं हैं कि परिस्थिति जो है कोई भयानक रूप ले सकती है। आपका कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।